नमस्कार। न्यूजीलैंड का दौरा खत्म हो गया। भारत ने वनडे सीरीज में दमदार जीत दर्ज की थी, लेकिन टी20 सीरीज में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि ऐसा भी लगा कि भारतीय टीम ने कई खिलाड़ियों के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया, और चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद का यह कहना है कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप की टीम बन चुकी है। एक ऐसा स्लॉट है जिस पर कि तीन खिलाड़ी दावेदार हैं। कौन से दावेदार हैं खिलाड़ी, इनके बारे में बातचीत करेंगे। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह हमारे साथ हैं। लेकिन अगर दौरे की हम समीक्षा करें, न्यूजीलैंड दौरे की और आखिरी टी20 सीरीज की भी समीक्षा करें, तो यह जरूर लगेगा कि शिखर धवन जिस तरीके से वो फ्लॉप चले हैं, जिस तरीके से उन्होंने बड़ा स्कोर नहीं बनाया, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें या फिर न्यूजीलैंड की बात करें, कहीं ना कहीं एक टेंशन देते हुए नजर आ रहे हैं विराट कोहली को। और अगर ओपनर बड़े रन नहीं बनाएगा तो वो टीम इंडिया के लिए भी शुभ संकेत नहीं। देखिए रिपोर्ट। न्यूजीलैंड में नहीं चला धवन का बल्ला, कीवीलैंड में नहीं मचा गब्बर का हल्ला, धवन ने बढ़ाई विराट की टेंशन। वर्ल्ड कप से पहले बड़ी टीम इंडिया की धड़कन। शिखर धवन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खत्म हुई तीन मैच की टी20 सीरीज में 21.33 की बेहद खराब औसत के साथ सिर्फ 64 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के 5 मैच में धवन के बल्ले से 188 रन निकले थे, जिसमें धवन के नाम 2 अर्धशतक भी रहे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज में धवन ने 55 रन बनाए थे। सीरीज में धवन का बेस्ट स्कोर 32 रन का रहा था। चले वापस क्रिकेट पर लौटते, बात हमने शिखर धवन से शुरुआत की थी, किस तरीके से उनका बल्ला न्यूजीलैंड के खिलाफ न वनडे सीरीज के 2 मैचेस में चला था, उसके बाद नहीं चला, टी20 सीरीज में लगातार बड़ा स्कोर नहीं बना पाए शिखर धवन। मनी सर, क्या भारत को एक टाइम रहते एक विकल्प के तौर पर सोच लेना चाहिए था, क्योंकि पृथ्वी शॉ वो भी एक अच्छे ओपनर के तौर पर सामने आए लेकिन वो इंजर्ड हो गए थे, तो अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थोड़ी प्रॉब्लम तो हो गई है और शू पिंच कर रहा है भारतीय टीम। देखें, जहां तक पृथ्वी शॉ का आपने जिक्र किया, उनको इंजरी होगी, अदरवाइज मुझे लगता है कि उनको वनडे क्रिकेट में भी मौका मिलता है। जिस तरह के एटीट्यूड के साथ उन्होंने शुरुआत की थी अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की, और मुझे लगता है आने वाले टाइम के हीरो होने वाले हैं। जहाँ तक शिखर धवन का सवाल है, ये आपको टेंशन देते रहेंगे क्योंकि ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते। ये कह देना कि मेरा यही अंदाज है खेलने का, मेरे ख्याल से ऐसे चलेगा नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में, आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा अपने आप को। सो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं बात बार बार बोलता हूँ, कि जो बैटिंग कोच है, जो मेन कोच है, इनका काम शिखर धवन के साथ बढ़ गया है और इनके साथ लगातार बात करते रहना जरूरी है। अगर ये सोचे कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, खिलाड़ी को खुद पता होना चाहिए, नहीं पता चल रहा, तो ऐसे में इनके साथ लगातार बात करके इनको एहसास दिलाना चाहिए इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, क्या इनकी जिम्मेदारी और किस तरह से अपने कॉन्सेंट्रेशन और फोकस लेवल को हर समय अप रख सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप अगर आपको जीतना है तो इंडिया के दोनों ओपनर्स चलने बहुत जरूरी होंगे। जी, और अगर आप देखें पिछला नजर मारे शिखर धवन के करियर पर, तो दुबई में जो कि यूएई में जब उन्होंने शतक लगाया था, उसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज हुई, तो काफी लंबा रन हो गया है जिसमें उनके बल्ले से शतक नहीं निकला है। और मनी सर, यहाँ पे यही जो चीज है, ये चिंता का विषय बन रही है, क्योंकि आप रोहित शर्मा शतक लगा रहे, जो हमारे तीन बड़े बैट्समैन है, रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, लगातार शतक लगाए, लेकिन शिखर धवन का अगर मैं देखूं 15-16 मैच हो गए, उनके बल्ले से शतक नहीं निकल पाया। देखिए रवीश, अगर शतक ना भी आ रहा हो, अगर आप कंसिस्टेंटली एक पार्टनरशिप करके दे दें 80-90-100 रन की ओपन करते हुए रोहित के साथ, तो भी चलेगा, क्योंकि शतक लगाना एक इंडिया में एक वो एक मिथ सा हो गया है, रिकॉर्ड्स के लिए हम सोचते रहते हैं, लेकिन अगर 70-80 रन भी हर दूसरे मैच में लगाते रहेंगे, वो कंसिस्टेंसी दिखाते रहेंगे, तो प्रॉब्ली एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, ऐसी बात नहीं है कि अगर लैक हुई तो बिल्कुल ही खो दी, जो कि एक चिंता का विषय बन जाएगा। जी, और मनी सर, सबसे बड़ी दिक्कत टीम इंडिया के लिए ये भी हुई, अगर मैं ओपनर्स की बात करूं, क्योंकि पृथ्वी शॉ वो इंजर्ड हो गए थे तो आप उनको ट्राई नहीं कर पाए वनडे में, और उसके बाद अगर बात करें लोकेश राहुल की, वो कुछ और कारणों की वजह से बाहर हुए तो उनको भी वहां पर ट्राई नहीं किया जा सकता। मयंक अग्रवाल एक नाम हो सकते थे कि आप उनको मौका देते, पर शायद सेलेक्टर सोचते हैं कि वो टेस्ट मैचेस के लिए फिट है। चले बात कुलदीप यादव की भी करते, एक मैच उनको खेलने का मौका मिला न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज की अगर बात करें, जबरदस्त उन्होंने गेंदबाजी की और उसका फायदा उनको रैंकिंग में भी मिला, क्योंकि अब वो टी20 के नंबर 2 गेंदबाज बन गए। देखिए रिपोर्ट। कुलदीप अब 728 पॉइंट्स के साथ टी20 रैंकिंग में नंबर 2 पर पहुंच गए हैं, तो वहीं अफगानिस्तान के राशिद खान 793 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 गेंदबाज बने हुए हैं। कुलदीप यादव ने हैमिल्टन में खेले गए तीसरे और आखिरी टी20 में 4 ओवर की गेंदबाजी में 26 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में कुलदीप ने 4 मैच में 8 विकेट हासिल किए थे, जिसमें 39 रन देकर 4 विकेट लेना उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा। कुलदीप ने 16.50 की दमदार औसत के साथ 4 विकेट चटकाए थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई घरेलू टी20 सीरीज में कुलदीप ने 2 मैच में 9 की बेहद शानदार औसत के साथ 5 विकेट चटकाए थे, जिसमें से 13 रन देकर 3 विकेट लेना कुलदीप का बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन रहा। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि वर्ल्ड कप के लिए एमएसके प्रसाद कह रहे हैं कि टीम पूरी तरीके से बन चुकी, एक स्लॉट है, दावेदार हैं 3, कौन सा स्लॉट है और दावेदार कौन कौन है ये आपको दिखाते हैं। कोहली को चाहिए एक आखिरी हथियार, 3 खिलाड़ियों के बीच लगी है रेस।
किसे मिलेगा वर्ल्ड कप का टिकट। इस सीरीज में पंत ने 3 मैच में 36 की औसत से 72 रन बनाए। विजय शंकर ने 3 मैच की T20 सीरीज में 84 रन बनाए, जिसमें विजय शंकर का स्ट्राइक रेट 155.55 का रहा। वहीं विजय शंकर का बेस्ट स्कोर 43 रन का था, जबकि वनडे सीरीज के 3 मैच में विजय शंकर ने 45 की औसत से 45 रन बनाए। बात करते हैं टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और DDCA के चीफ सेलेक्टर अमित भंडारी की, जिन पर आज हमला हुआ। अमित भंडारी को काफी चोटें आई और उनका इलाज भी चल रहा है। अमित भंडारी अंडर-23 के ट्रायल के लिए बतौर सेलेक्टर मौजूद थे, लेकिन तभी उन पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसके बाद अमित भंडारी को गंभीर चोट आई है। हमारे साथ मनी से जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में